दोस्तों ये है सैमसंग का एक नया 5G फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी A54 जो कि कुछ ही महीनों पहले इंडिया में लॉन्च हुआ है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 36,000, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि 2,000 की कार डिस्काउंट मिलती है, जिसके बाद इसको आप 34,000 में खरीद सकते हो। वैसे आपको क्या लगता है, इस प्राइस के लायक है यह फ़ोन या नहीं? तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इस फ़ोन में क्या कुछ स्पेक्स एंड फीचर्स हैं, और वीडियो के अंत में आपको यह भी बताएंगे कि यह फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। और हाँ, यदि आप वीडियो में नए हो तो प्लीज़ अपना छोटा भाई समझ के वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसमें 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है विद सेंटर पंचुअल के साथ, काफ़ी छोटी सी पंचुअल डिस्प्ले है। और इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशो एवरेज है 82.9%, जिससे साइड के बेजल एंड चिन वगैरह हल्के हल्के दिख रहे हैं। एंड इसकी स्मूथनेस के लिए इसमें 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है एंड 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है एंड 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो कि फ़ोन को आउटडोर भी यूज करने से कंटेंट वगैरह काफ़ी क्लियर दिखेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें फेस अनलॉक और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि काफ़ी फास्टली तरीके से वर्क करती है। इसके अलावा इसमें HDR10+ वगैरह का सपोर्ट है, जिससे यदि आप मल्टीमीडिया वगैरह कंज्यूम करते हैं तो आपकी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी रहेगी। और इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर है, तो साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी लगी हुई है, जो कि नॉर्मल यूजर को 1 से 1.5 दिन की बैटरी बैकअप दे सकती है। क्योंकि इसमें 5 nm का प्रोसेसर लगा है, तो बैटरी कंज्यूमिंग भी काफ़ी कम करेगी। और इसको चार्ज करने के लिए 25W की चार्जर को सपोर्ट करता है, लेकिन इसके बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगी, आपको खरीदना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। यह बैक साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आती है, जो कि प्राइमरी कैमरा 50 MP की है विथ OIS के साथ, अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 MP की है एंड माइक्रो कैमरा 5 MP की है, और सेल्फी कैमरा 32 MP की है। इसमें कई सारे मोड एंड फीचर्स हैं, जिसका आप यूज करके लो लाइट कंडीशन में भी काफ़ी अच्छे फोटो एंड वीडियो वगैरह निकाल सकते हो। डे टू डे काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगी, कैमरा के मामले में आपको निराश नहीं करेगी। और इसके रियर कैमरा एंड सेल्फी कैमरा दोनों से ही आप 4K वीडियो 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते। और यह फोन 3 कलर में लॉन्च हुई है, ब्लू, ब्लैक एंड लेमन। वैसे इनका नाम दूसरा है, बट मैं कलर के हिसाब से ऐसे ही बता दिया हूँ। पर्सनली मेरे को ब्लू कलर काफ़ी अच्छा लगा, और इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जिसमें बैक साइड ग्लास बॉडी का यूज किया गया है, और इसकी फ्रेम एल्यूमिनियम की है, जो कि हल्की सी कर्व है, जिससे ग्रिप वगैरह काफ़ी अच्छी रहेगी। और इसमें IP67 का रेटिंग है, जिससे डस्ट प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंट है। और यह फ़ोन 8.2 mm की थिकनेस एंड 202 g के साथ आती है, जिससे यदि फ़ोन को हाथे पकड़ते हैं तो ग्रिप वगैरह काफ़ी अच्छी रहेगी। ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में भी फ़ोन गुड लुकिंग है। अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। इस फोन में एक्जोनेस 3080 का 5G प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि 5 nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और यह 2.4 GHz पे रन करती है। इसकी एंट्री स्कोर लगभग 500,000 प्लस है। इसमें आप कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI एंड फ्री फायर जैसे गेम को खेल सकते हो, बट हाई टू अल्ट्रा सेटिंग में तो नहीं, बट मीडियम सेटिंग में लॉन्ग टाइम तक खेल सकते हो। डे टू डे काफी अच्छे तरीके से वर्क करेगी, क्योंकि सैमसंग का प्रोसेसर है तो गेमिंग के लिए इतना कैपेबल नहीं है, बट आपकी नॉर्मल गेमिंग ठीक ठाक करा देगी। और इसमें LPDDR4X का रैम टाइप है एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है, जिससे फोन और भी काफी फास्टली वर्क करती है। ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग एंड डाउनलोडिंग काफी फास्ट हो जाती है। और यह 2 वेरिएंट में आती है, 8+128, 8+256, जिसके बेस वेरिएंट का प्राइस आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए हूँ। और यह लेटेस्ट One UI 5.1 पे रन करती है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड है। लेकिन इसमें हल्के फुल्के फालतू के ऐप वगैरह हैं, जिसको आप आसानी से अपने मन के हिसाब से डिलीट कर सकते हो। और हाँ, सैमसंग का UI है, तो फोन काफी स्मूथ चलेगी, आपको लॉन्ग टाइम तक साथ देगी। और इसमें 4 ईयर्स की मेजर अपडेट मिलेगी, इन 5 ईयर्स की सिक्योरिटी अपडेट मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं। वैसे तो दोस्तों ये फोन भी काफी अच्छा है, बट इस सेगमेंट में इससे अच्छे स्पेक्स एंड फीचर्स दूसरे ब्रांड के फोन में मिल सकती है। बट यदि आपको सैमसंग ब्रांड का ही फोन चाहिए, तो आप इसको भी ले सकते हो, यह भी काफी अच्छा फोन है। लेकिन पर्सनली गेमिंग के लिए ये फोन को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। सो गाइस, ये था इस फोन का फुल रिव्यू। आप सबको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।